नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड किसी भी राज्य और किसी भी शहर की कोई भी अपडेट आती है तो बहनों हम सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर लेके आते। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता। जी हाँ, बहनें लगातार यहाँ पे हड़ताल पे है। मानदेय को लेकर सभी राज्यों के लिए एक बड़ी खबर यहाँ पे आई है। कार्यकर्ता 18,000 रुपए जबकि सहायिका यहाँ पे 9,000, हर माह 3,000 रुपए पेंशन मिलने, साथ में नर्सरी टीचर की मान्यता, टीचर जितना यहाँ पर वेतन मिलने वाला। कौन कौन से राज्यों में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, साथ में 2020 में मानदेय आपका 24,000 कौन से राज्यों में होने वाला, ये सारी जानकारी बनो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने दीजिएगा, साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दे और चैनल पे आप नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ में बहनों आप जिस शहर और जिस राज्य से बिलोंग करते हो वो भी जरूर कमेंट करें ताकि हम आपके राज्य और आपके शहर की भी आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड अपडेट आपको देते रहे। तो चलो बहनों देखते हैं सारी जानकारी। तो बहनों सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों के बारे में यहाँ पर बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया कलेक्ट्रेट का घेरा। पूरी बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य योगी गोपेश्वर राज्य कर्मचारी घोषित करने समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नगर में जुलूस निकालकर कलेक्टर का घेराव किया। पूरी बात करें तो राज्य कर्मचारी घोषित करने समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नगर में जुलूस निकालकर कलेक्टर का घेराव किया है। उधर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं के संगठन की जिला अध्यक्ष विमला गेरोल के नेतृत्व में अपनी मांगों के समर्थन में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने नगर में जुलूस निकाला। नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जुलूस जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचा। यहां पर कार्यकर्ताओं ने प्रशासन, बाल विकास विभाग व सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर विरोध दर्ज किया। कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित करते हुए मिनी केंद्रों का उच्चीकरण किया जाए। सहायिकाओं को कार्यकर्ताओं के मानदेय का 75% मानदेय देते हुए विभागीय पदोन्नति यहाँ पे की जाए, साथ में वरीयता के आधार पर प्रतिवर्ष मानदेय बढ़ाया जाए तथा बोनस व यात्रा भत्ता भी यहाँ पर दिया जाए। आंदोलनकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी अपना मांग पत्र भेजा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष विमला गेरोल के अलावा गृह महामंत्री काश्मीरी नेगी, अनिता देवी के साथ में मोहिनी गोड के साथ में आशा है बीना, गीता, चंदा, सुषमा समेत अन्य आंगनबाड़ी कर्मचारी मौजूद थे। इधर बहनों के लिए एक और बड़ी खबर निकल के आई, आप यहां देख सकते हो। कांग्रेस नेताओं ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन को, पूरी बात करें तो मानदेय वृद्धि समेत अन्य मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बेमियादी अनशन जारी है। वही धरना स्थल पर कांग्रेस नेताओं ने पहुंचकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपना समर्थन दिया। परेड ग्राउंड स्थित धरना स्थल पर चंबा से बागेश्वरी उनियाल और विकास नगर से पिंकी सिंह बेमियादी अनशन पर बैठी है। वही कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूड़ी ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को समर्थन किया। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय कर रही है, उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने का प्रयास यहां पे किया जा रहा है। पूरी बात करें तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ पे जो जायज मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस उनके समर्थन में सड़कों पर उतरेगी। धरना देने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष विमला कोहली, संगठन मंत्री मीनाक्षी रावत, महामंत्री स्मृति थपलियाल, प्रतिभा शर्मा, विजय लक्ष्मी नोटियाल, मीना रावत, बीना जोशी, आशा थपलियाल, विमला गैरोल, बसंती रावत, राजश्री, सुमित्रा अबला चौहान, पिंकी ममता व रतुड़ी आदि यहाँ पे शामिल रहे। पूरी बात करें तो महिलाओं की आवाज दबा रही है सरकार। धरना स्थल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सेविका मिनी कर्मचारी संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी ने कहा कि महिला सम्मान और सुरक्षा की तरह जी देने का दावा करने वाली सरकार महिलाओं की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मांगों को लेकर अनुशासनपूर्ण ढंग से आंदोलन चला रही है, लेकिन सरकार के इशारे पर अनशन में बैठी महिलाओं को जबरन उठाया जा रहा है, उनके साथ धक्का मुक्की की जा रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हड़ताल पर जाने से पहले देगी नोटिस। तो धरना स्थल पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के बाद कार्यकर्ती सेविका कर्मचारी यूनियन उत्तराखंड ने कहा कि वह आंदोलन को गति देगी लेकिन कार्य बहिष्कार नहीं करेगी। अगर हड़ताल पर जाने का निर्णय किया गया तो वह विभाग को 15 दिन का नोटिस देगी, उसके बाद हड़ताल पर जाएगी। प्रदर्शन करने वालों में चित्रकला राधा, रंजनी, विष्णु, आशा रानी, गुरुड़,
कमलेश रजनी सहित अन्य उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद थे। इधर बड़ी खबर बहनों के लिए सामने निकल कर आई है, बीमार हालत में अनशन पर डटी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। पूरी बात करें तो देहरादून मानदेय वर्दी स्मार्टफोन की अनिवार्यता खत्म करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर बेमियादी अनशन पर डटी दो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का स्वास्थ्य बिगड़ गया। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उन्हें अस्पताल चलने को कहा मगर उन्होंने इनकार कर दिया। इस दौरान जबरन कार्यकर्ताओं को उठाने के दौरान उनकी पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। परेड ग्राउंड स्थित धरना स्थल पर पिछले चार दिनों से बेमियादी अनशन पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शशि थापा और नीलम पालीवाल का स्वास्थ्य खराब हो गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी मगर उन्होंने इनकार कर दिया। पुलिस जबरन कार्यकर्ताओं को उठाने लगी तो उनकी पुलिस से धक्का मुक्की भी वहाँ पे हो गई। पूरी बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सेविका मिनी कर्मचारी संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी ने कहा कि एक एक कर सभी कार्यकर्ताओं का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है लेकिन सरकार कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं कर रही है। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष विमला कोहली, महामंत्री स्मृति थपलिया, संगठन मंत्री मीनाक्षी रावत, प्रतिभा शर्मा, मीना रावत, बीना जोशी, आशा थपलियाल, बसंती रावत, विमला गेरोल आदि अपर मौजूद रही। पूरी बात करें तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। कहा कि एक माह से अधिक समय आंदोलन करते हुए बीत गया लेकिन स्थिति जस की तस है। सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है जिससे कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। इस मौके पर सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन भी किया गया। यहाँ पर पूरी बात करें तो मांग पूरी न होने तक जारी रहेगा आंदोलन। विकास नगर में मानदेय बढ़ाने व पदोन्नति की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना जारी रहा। उन्होंने अपनी मांगों को जायज बताते हुए सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। विकासखंड कार्यालय पर धरना दे रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा महंगाई के मौजूदा दौर में इतने कम रुपए में उनका परिवारों का पेट पालना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के रूप में उन पर काम का दबाव इतना दी गए कि वे इसके साथ आजीविका चलाने के लिए कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में सरकार को उन्हें कम से कम इतना मानदेय तो देना ही चाहे जिससे कि वे अपने परिवार का पेट पाल सके। तो बहनें लगातार यहाँ पे हड़ताल पे है। इधर एक और बड़ी खबर बहनों के लिए निकल के आई है, भारतीय मजदूर संघ से संबंध राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ दौसा ने मांगों को लेकर सोमवार को एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने वाली है। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के जिला महामंत्री सुशीला शर्मा ने बताया कि ज्ञापन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका है आपकी मिनी आंगनबाड़ी आशा सुगनी ग्राम सातिन को सरकारी कर्मचारी घोषित करने व जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक 18,000 रुपए प्रतिमा मानदेय दिलाने समेत मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र के समान कार्यकर्ताओं का मानदेय देने वह आशा कर्मियों को एक ही विभाग में समायोजित करने व आशा सुगनी के केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2018 से प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा के सभी प्रोत्साहन राशि के आदेश शीघ्र जारी कर एरियर का भुगतान दिलाने की मांग की गई है। उधर ज्ञापन में ग्राम सातिन एवं आशा सुगनियों के बजट में 200 रुपये प्रतिमा के स्थान पर सम्मानजनक मानदेय वर्दी करने व ग्राम सातिन को भी वर्दी के रूप में साड़ियां दिलाने व ग्राम पंचायत के गांव में जाने का यात्रा वे दिलाने व किसी केंद्र की कार्यकर्ता सेवानिवृत्ति होने पर यदि उस केंद्र पर कार्यरत सहायिका आशा उक्त पद के लिए योग्य है तो उसे कार्यकर्ता बनाने साथ में शिशु पालन गृह में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करने वह मानदेय के साथ में गर्म पोषार व अन्य भुगतान प्रतिमा समय पर दिलाने व मानदेय कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष स्थायी रूप से आवश्यक करने व मानदेय कर्मियों को काटी जाने वाली बीमा की राशि सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद दिलाने सहित अन्य मांगे यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो बहनें लगातार हड़ताल कर रही है जिसमें यहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष पूजा चौधरी है, जिला संगठन मंत्री शीला जांगेड़ है और कार्यकर्ता अंजू कंवर और आशा सहयोगिनी कर्मचारी की भारतीय मजदूर संघ से संबंध राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ दौसा ने मांगों को लेकर सोमवार को एसडीएम को मुख्यमंत्री के लिए यहाँ पे ज्ञापन सोमवार को देने वाली है। बहनों की जो मांगे मैंने आपको बताई यही सब मांगे बहनों की रखी गई है और सभी राज्यों में लगभग
सेम ही मांगे यहाँ पे रखी गई है, फिर भी सरकार यहाँ पे नहीं सुन रही है। तो बहनों आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट या न्यूज आती है तो हम तुरंत आपके सामने लेके आते हैं। तो बहनों ये थी एक मेरे द्वारा दी की छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ बहनों मेरे द्वारा दी की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा बहनों, चैनल पर आप नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि बहनों आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड किसी भी राज्य और किसी भी शहर की कोई भी अपडेट आती है तो बहनों हम सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर लेके आते हैं। साथ ही बहनों आप जिस शहर और जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वो भी जरूर कमेंट करें ताकि हम आपके राज्य और आपके शहर की भी आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड अपडेट आपको देते रहे। तो बहनों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।